हाय भैया, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैंड आउट। तो आखिर हैंड आउट का हिंदी क्या होता है? हैंड आउट का हिंदी हो सकता है देना या फिर बांटना, लेकिन सिचुएशन थोड़ा अलग होता है। मान लीजिए कोई ग्रुप है और आपको उस ग्रुप में हर एक व्यक्ति को कुछ देना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं हैंड आउट का। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, माय टीचर आस्क्ड मी टू हैंड आउट दीज एग्जाम पेपर्स। मतलब मेरे टीचर ने मुझसे कहा वो एग्जाम पेपर्स बांटने का, किनको? टू द स्टूडेंट्स। चाहे तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं टू द स्टूडेंट्स, या फिर ये अंडरस्टैंडेबल होता है, मतलब मेरी क्लास में जितने भी बच्चे थे उन बच्चों को एग्जाम पेपर बांटने का बोला कि हर एक बच्चे को आप एक एक एग्जाम पेपर दे दो। तो ऐसी सिचुएशन में हमने यूज किया हैंड आउट का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वुड यू प्लीज हैंड आउट दीज बलून्स टू द पुअर चिल्ड्रन। क्या आप ये जो बलून्स है, ये जो गुब्बारे हैं, ये क्या आप गरीब बच्चों में बांट दोगे, मतलब हर एक बच्चे को एक एक बलून्स दे दोगे, ऐसा मुझसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी प्रत्येक बच्चे को देने की बात हो रही है, इसलिए हमने यूज किया हैंड आउट का। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, समवन वाज हैंडिंग आउट थ्री बॉटल्स ऑफ वाटर एट द बस स्टेशन। मतलब बस स्टैंड पे मैंने क्या देखा, बस स्टैंड पर एक जो व्यक्ति था, कोई व्यक्ति होगा, वो क्या कर रहा था, लोगों को फ्री में पानी की बोतल दे रहा था। मतलब हर व्यक्ति को वो एक एक बोतल बांट रहा था फ्री में। तो यहाँ भी बांटने के साइंस में हमने यूज किया हैंड आउट का। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको हैंड आउट का हिंदी मीनिंग समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।